जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल्स। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर और टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये इस चैप्टर का बेटा लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में गिवन है, राम और श्याम पार्टनर्स हैं इन द रेशो 3:2। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है ऑन 31 मार्च 2022। दे डिसाइड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर एंड महेश एक्वायर होली फ्रॉम द श्याम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पर देखिए एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि भाई जो सेक्रीफाइस किया है केवल श्याम ने किया है, क्योंकि उसने सारे का सारा हिस्सा महेश ने किससे लिया बेटा, श्याम से लिया है। तो यहाँ पर लिखा है श्याम विल ब्रिंग 25,000 इज एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7500 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 5000 इन सेटलमेंट। अब देखिए ये एडजस्टमेंट भी आपकी थोड़ी सी गलत करा सकती है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि एक डेटर था जिससे हमें 7500 रुपए लेना था, उसको हमने पहले बैड डेट्स लिख दिया था, अब उसने 5000 हमें पे कर दिया है इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया आपका बैड डेट्स रिकवरी, आपके लिए इनकम है। इसके बाद है अ क्लेम ऑफ ₹12,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी यहां पर आपको वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम पे करना है 12,500 रुपए का और आपके पास पहले से कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब है ये आपके लिए लायबिलिटी जनरेट हो गई है बेटा। मशीनरी वर अंडर वैल्यूड बाय 5000, इसका मतलब है बुक्स में जो मशीन दे रखी है वो 5000 रुपए कम लिखी हुई है। तो ये आपके लिए बेनिफिट, आपको 5000 रुपए मशीन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब ये देखिएगा स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि जो बुक्स में हमने स्टॉक दिखा रखा बेटा वो 10% ज्यादा है इसकी मार्केट वैल्यू से। ठीक है, यानी बुक्स में जो स्टॉक है बेटा वो 110% है, हमें 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये भी हमारे लिए लॉस होगा। महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। अब इसमें देखिए ना तो प्रोपोर्शनल कैपिटल है ना न्यू पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, तो ये एक अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें जो है कंबाइंड कैपिटल का एक मिनिमम परसेंटेज नए पार्टनर से मंगाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एज यूजुअल, फिर पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कर लेंगे और उसका जो भी टोटल आएगा उसका 20% ठीक है महेश लेकर आएगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप एडजस्टमेंट पर निशान लगा लीजिएगा। तो यहां पर दो ही एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट से रिलेटेड जिस पे आप निशान लगाएंगे, एक है मशीनरी और एक है स्टॉक। ठीक है बेटा, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स आपका दे रखा है 70,000 और क्रेडिटर्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बैलेंस शीट में आप ऐसे के ऐसे क्रेडिटर्स लिख देंगे, इट विल बी 70,000। ठीक है, इसके बाद जनरल लेजर दे रखा है बेटा 25,000। ठीक है, यहां पर आप बैलेंस बीडी पहले और फिर बाय जनरल लेजर 3:2 का रेशो है तो 15,000 आर का 10,000 एस का, राइट। अब इसके बाद है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको लेके भी आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको इसको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ईपीएफ दैट विल बी इक्वल टू 25,000, राइट। फिर आपका कैपिटल का बैलेंस दे रखा है तो आप यहां पे बाय बैलेंस बीडी में लिख देंगे 1,50,000 और 1,00,000 रुपीज, राइट। अब यहां पर कह सकते हैं एज यूजुअल सबसे लास्ट में लेंगे बेटा हम लोग डेटर्स। अब डेटर्स को लेके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर कह रहा हूं वो बैड डेट्स रिकवर्ड है बेटा, तो यहां पे डेटर्स ऐसे कैसा आएगा, ये है 1,62,500 माइनस 12,500 बेटा 1,50,000,
राइट। इसके बाद स्ट्रोक, अब बात करते हैं स्ट्रोक की एडजस्टमेंट। अब देखिए क्या लिखा है कि जो स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा अपने बुक्स में दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये 110% है। तो यहां पर बुक वैल्यू बेटा 110% जो कि लिखा है 82,500, राइट। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 82,500 अपॉन में 110 इंटू में 100% की वैल्यू हो जाएगी बेटा 75,000। तो एक ये वर्किंग नोट आप बना सकते हैं छोटा सा, राइट। तो इसका मतलब जो हमारी बुक वैल्यू है ठीक है वो हमने 10% ज्यादा दिखा रखी थी, तो इसका मतलब आज के टाइम पे हमारे जो स्टॉक की वैल्यू कितनी हुई बेटा 75,000। यहाँ पे स्टॉक हम 75,000 रिकॉर्ड करेंगे और बाकी हमारा लॉस हो गया बेटा 7,500 का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं मशीनरी की, 1,42,500 है और यहाँ पर लिखा है मशीनरी वन अंडर वैल्यूड बाय 5,000, जो मशीन लिखी है वो अंडर वैल्यूड है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर आप लिखेंगे मशीनरी वन लैख 42,500 प्लस 5,000, हाँ जब कम दिखा रखी थी बुक में तो हो जाएगा बेटा 1,47,500, ठीक है। और ये 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो आप यहां पे लिखेंगे बाय मशीन 5,000, राइट। अब यहां पे इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे, उससे पहले कैश से बैंक दे रखा है तो बैंक का बैलेंस लिख लेते हैं। इनर कॉलम में 25,000 है ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा है महेश सेल ब्रिंग 25,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। 25,000 पहले था, 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो टोटल के बैंक में बैलेंस हो जाएगा आपका 50,000। ऐड करना है आपको इसको बैंक के बैलेंस में और यहां पर सारे का सारा इससे इसने श्याम से लिया था तो प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा श्याम को, यहां पर 25,000 ठीक है। तो ये पहली एडजस्टमेंट हमने कर दी। फिर उसके बाद लिखा अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 7,500 और रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स 5,000 उसने पे कर दिया है, तो यहां पर हमारे पास बैंक में पैसा आ जाएगा किस चीज का, ऐड करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, बैंक का बैलेंस हो गया बेटा 55,000, राइट। और यहां पर आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन की बाय कैश अकाउंट या फिर बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, फाइव थाउजेंड ठीक है। ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हुई। फिर इसके बाद आ गया अ क्लेम ऑफ 2,500 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये हमने पहले वर्कमैन कंपनसेशन है ही नहीं तो हमारी लायबिलिटी जो होगी बेटा हम लिख देंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, चलिए कंपनसेशन थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया बेटा आपका 12,500, ये आपकी लायबिलिटी जनरेट होगी 12,500 की, ये आपकी लॉस है, यहाँ पे लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 12,500, राइट। इसके बाद आपको मशीनरी और स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, उसकी एडजस्टमेंट दे रखी है, वो हमने कर ली है, तो यहां पर हमारी सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल सबसे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट मैच करेंगे, तो रिवैल्यूएशन है आपका डेबिट में आएगा 20,000, क्रेडिट में आपका 10,000 है, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, आर एस 10,000 है, 3:2 की रेशो बढ़ जाएगा तो 6,000 और 4,000, तो 10,000 ये आपका आपने बैलेंस कर दिया, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया बंद। यहाँ पर आप लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 4,000। देखिए इसमें जो एडजस्टमेंट हुई है कि टोटल जो कैपिटल होगी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ आर एंड एस उसका 20% नए पार्टनर को लेकर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले इनका बैलेंस निकाल लेते हैं, टू बैलेंसिंग आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 1,65,000 और ये हो जाएगा 1,35,000। बैलेंस शीट निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1,59,000 और ये हो जाएगा 1,31,000, ठीक है। और यहाँ पे आप इनका अकाउंट बंद कर देंगे 1,65,000 से और इसका हो जाएगा बेटा 1,35,000 से, राइट। अब ये हमें निकालना है इसका कैपिटल, एम का कैपिटल, एम्स कैपिटल इज इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, ऑफ आर एंड एस आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, हमें 1/5 निकालना है कंबाइंड कैपिटल का, किसकी, आर और एस की। तो आर का है 1,59,000 आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, एस का है 1,31,000, ये हो जाएगा बेटा 1/5 ऑफ 2,90,000, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 58,000। तो बेटा जैसे ही हमारा ये एम का कैपिटल निकलेगा 58,000, इसको हम लेकर जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट और एम का कैपिटल क्रेडिट कर देंगे 58,000 से और यहाँ पर हम एम का कैपिटल अकाउंट बंद कर देंगे। यहाँ पर टू बैलेंस शीट में भी 58,000 और एम का कैपिटल अकाउंट बंद हमने कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि एम कैश लेकर आया होगा तो हमें एम के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा एट एम्स कैपिटल, ये हो जाएगा बेटा 58,000 और यहाँ पर जो बैंक का बैलेंस आ जाएगा वो आएगा 1,13,000। जैसे ही आप ये बैंक का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड मैच हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है बेटा, किसका, आर एस और एम, ठीक है। आर का था 1,59,000, एस का था 1,31,000 और एम का 58,000, ठीक है। 290 हमारा पहले ही था बेटा, 58 ही आ गया, इट विल बी 3,48,000, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप कैपिटल का अकाउंट कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे आपकी बैलेंस शीट भी मैच हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको चीजें समझ में आती हैं तो बेटा इन वीडियोज को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें, इनको लाइक करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।